वैशाली के महुआ में शराबी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छापेमारी के दौरान हुई भगदड़ में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया और कॉलर पकड़कर उसे गांव की सड़कों पर घुमाया। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। दरअसल महुआ थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में वार्ड नंबर 6 में पुलिस शराब पिए हुए व्यक्ति को पकड़ने गई थी। पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि पुलिस वालों को बंधक बना लिया और पुलिस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मजदूर व्यक्ति की मौत के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसकी सूचना मिलते ही भारी संख्या में आसपास के कई थानों की पुलिस पहुंची। गुस्साए लोगों की पुलिस अधिकारी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया और भारी हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे महुआ SDPO सुरभ सुमन समेत आधा दर्जन थानों की पुलिस शांत कराने में जुटी। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। मृतक कटारा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहटिया बुजुर्ग गांव के स्वमहावीर पासवान के 50 वर्षीय बेटे राजेंद्र पासवान बताए जा रहे हैं। तो वैशाली में एक अधेड़ की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और सरकारी वाहन को उग्र भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भीड़ खींच कर ले जा रही है। पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर उसे लेकर लोग जा रहे हैं। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात दिखी। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। मौके पर वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। वैशाली SP क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देखने को मिला सर, क्या कुछ पुलिस द्वारा शराबबंदी अभियान को लेकर के लगातार कार्रवाई की जाती है। इसमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी कई सारे कंप्लेंट मिलते हैं, उससे पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जाती है। टोल फ्री नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, उसमें जाकर के थाना स्तर से भी छापामारी की जाती है। LTF के द्वारा भी छापामारी की जाती है। महुआ थाना क्षेत्र में आज सुबह में एक मामले में पुलिस की टीम छापामारी करने गई हुई थी, जिसमें कि जलालपुर गंगटी गांव में छापामारी के लिए टीम गई थी। तो उसी में एक व्यक्ति लगभग 50-55 साल एज के एक व्यक्ति थे, जो कि पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने लगे। दूरी काफ़ी थी, पुलिस का उनसे डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन भागने के क्रम में वो कहीं उनको गिरने से शायद मृत्यु हो गई, या क्या कारण है वो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए बॉडी, उससे स्पष्ट होगा। तो इसी को मामले को लेकर के लोकल जो पब्लिक थे वो आक्रोशित होकर के जो छापामारी टीम गई थी उससे उलझ गए, और जो गाड़ी थी उसके साथ तोड़फोड़ की गई, और जो छापामारी टीम में लोग शामिल थे तो उसमें एक दो पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई भी की गई। उसको लेकर के अलग से हम लोग FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति की मृत्यु की घटना हुई है उसके संबंध में जो प्रॉपर हम लोग का तरीका है उस हिसाब से पोस्टमार्टम इत्यादि करवाया जाएगा, जो उनके द्वारा लिखित में दिया जाएगा उस हिसाब से उसमें या तो FIR दर्ज किया जाएगा या UD केस दर्ज किया जाएगा, और अगर तक अनुसंधान करके जो नियम संगत है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, शराब बरामद हो रही हुई है क्या? छापामारी बरामदगी नहीं हुई, अभी एडिंग टीम जा ही रही थी उसी दौरान ये भागने लगे वहाँ कारोबार की गिरफ्तारी वगैरह सर उस पर्टिकुलर मामले में नहीं। पुलिस बल का प्रयोग किया गया? पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि एक आदमी की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी तो इसलिए अधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जो उपद्रवी हैं उन पर अवश्य है। तो सुना आपने, वैशाली SP के अनुसार शनिवार को महुआ थाना की गश्ती टीम के भुवनेश्वर राम और गश्ती दल के सिपाही को मद्य निषेध टोल फ्री नंबर से शराब मामले की सूचना मिली, जिसके बाद गश्ती दल जलालपुर गंगटी गांव पहुंची। इस दौरान जांच के लिए आए पुलिस वाहन को देखकर एक अधेड़ व्यक्ति भागने लगा। पुलिस का दावा है कि पुलिस और उस व्यक्ति के बीच करीब 250 मीटर की दूरी थी। भागने के क्रम में वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कटरा थाना क्षेत्र के करहतिया गांव निवासी राजेंद्र पासवान, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, के रूप में की गई है। एक तरफ जहां पुलिस का दावा है कि भागने के क्रम में व्यक्ति की मौत हुई, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वाहन से कुचले जाने पर उक्त व्यक्ति की मौत हुई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। गश्ती दल के पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर रखा और मारपीट भी की। पुलिस वाहन को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मारपीट के क्रम में गश्ती दल के एक सिपाही को हल्की चोट भी आई है, जिनका इलाज अनुमंडल अस्पताल महुआ में कराया गया। इधर मामला गरमाया तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
अतिरिक्त पुलिस बल को गांव में भेजा गया, जिसके बाद उग्र ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है, पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। वैशाली से अभिषेक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।